प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल क्वेस्ट इंडिया एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेस्ट इंडिया। दोस्तों, जिस खुशखबरी का इंतजार कर रहे थे इंग्लिश के पार्टिसिपेंट, यानी मैं बात कर रहा हूं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 की, और जिन्होंने पेपर दिया था 23 मई 2019 को एचपीएससी का, उनके लिए एक खुशखबरी है। उनके लिए खुशखबरी ये है कि उनका इंग्लिश का पेपर एचपीएससी ने, यानी कि कमीशन ने, रद्द कर दिया है और ये दोबारा से कंडक्ट करवाने के बारे में सूचना दी गई है और एचपीएससी की साइट के ऊपर ये आप देख सकते हैं। हम भी इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। अब जो आपका दोबारा से टेस्ट होगा वो होगा 12 जून 2019 को और ये होगा टाइम वही 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। इसके साथ में जो और सूचना है आपकी वो ये है कि आपको दोबारा से फ्रेश एडमिट कार्ड डाउनलोड करना पड़ेगा और ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपको 3 जून 2019 के बाद में। 3 जून 2019 को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट थे जो बार बार दावा कर रहे थे, क्लेम कर रहे थे कि सारा का सारा पेपर 100% जो पेपर है वो आ गया था 2012 और 2013 के नेट से, और ये काफ़ी बड़ी समस्या थी उनके लिए जिन्होंने बहुत ही सीरियसली तैयारी की थी। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी मैं मानता हूँ। हालांकि इस प्रकार का जो डिसीजन लिया है कमीशन के अंदर, ये वास्तव में ही कमाल का है क्योंकि इतिहास के अंदर एचपीएससी ऐसा नहीं करता रहा है। जो भी है डिसीजन बहुत ही वेलकम है और बहुत ही अच्छा है। आपको दोबारा मौका मिलेगा, यदि आपने अच्छी तैयारी कर रखी है तो भगवान आपके साथ है और आप जल्दी ही कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो इस पूरे नोटिफिकेशन को हम समझते हैं और इसको समझने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और इसका एड्रेस लिखा हुआ है और यहाँ है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये अनाउंसमेंट क्या है कि ये जनरल इन्फॉर्मेशन है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर इंग्लिश के लिए अप्लाई किया था और एडवर्टीजमेंट नंबर था 1/2019। ये पब्लिश हुआ था 8 मार्च 2019 को। कमीशन हैज़ कंडक्टेड, कमीशन ने एक टेस्ट, रिक्रूटमेंट टेस्ट कंडक्ट किया था, वो किया था 23/5/2019 को पंचकुला के अंदर और अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर। कमीशन के पास इसके बारे में बहुत सारी शिकायतें आई और वो शिकायतें थी कि कहाँ से पेपर लिया गया, किस प्रकार से इसकी कंसिडरेशन हुई और किस प्रकार से ये पेपर नेट से उठाया गया था, उस बारे में बहुत सारी शिकायतें आई। उसके बारे में कमीशन ने डिसाइड किया है कि ये एक स्क्रैप होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा रिक्रूटमेंट टेस्ट को और ये जो 23/5/2019 को हुआ था इसको रिकंडक्ट कराने के बारे में सोचा गया है। अब क्या है कि इंग्लिश का ये टेस्ट जो होगा उसको शेड्यूल किया गया है 12 जून 2019 को वेडनेसडे के दिन 3 बजे से लेकर 5 बजे तक और ये वेरियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे पंचकुला के अंदर। आगे फर्दर यहाँ पे क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि फर्दर द कैंडिडेट को इन्फॉर्म किया जाता है कि वो अपना फ्रेश अलॉटमेंट नंबर या रोल नंबर और एग्जामिनेशन सेंटर निकालने जो चेंज कर दिया गया है और उनको अलाउ कर दिया गया है, जो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर फ्रेश एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा वही आपका अवेलेबल हो जाएगा 3/6/2019 ऑनवर्ड, यानी 3/6/2019 के बाद में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं कमीशन की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद में एक आगा है कि पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और उनको किसी प्रकार का राइटर वगैरह चाहिए या एक्स्ट्रा टाइम उनको चाहिए तो वो 10/6/2019 तक अप्लाई कर दें। इसके बारे में परमिशन फॉर दिस स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम विल नॉट बी ग्रांटेड, इसके बाद में ये ग्रांट नहीं किया जाएगा। द रिक्वेस्ट रिसीव्ड थ्रू ईमेल, और ये रिक्वेस्ट आपके ईमेल के थ्रू आनी चाहिए। ये अनाउंसमेंट इज अवेलेबल है आपके एचपीएससी की साइट के ऊपर जो hpsc.gov.in है, hpsconline.in के ऊपर है। और ये जो नोटिफिकेशन आया है आपके सामने जो है ये आया है आज की ही तारीख में, यानी कि 31 मई 2019 को, और यहाँ पे आप देखेंगे तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और सेक्रेटरी के यहाँ पे साइन है। तो ये है कंप्लीट नोटिफिकेशन। अब इसका कंक्लूजन सीधा सा ये है, आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा दोबारा और जो टेस्ट दोबारा होगा वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे 3 जून 2019 के बाद में, और शेड्यूल जो किया गया है इंग्लिश का पेपर वो होगा 12 जून 2019 को वेडनेसडे के दिन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके साथ में लाइक और डिसलाइक भी करें।